बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कीमा मसूर पुलाव। मैंने लिया एक किलो बासमती चावल, उसे दो चम्मच तेल, आधा चम्मच शाहजीरा, दो आदद तेज़पत्ता और हसबे जायका नमक डालकर उसे उबाल लिया है, थोड़ा कच्चा पक्का। मैंने लिया आधा से पौना किलो प्याज, उसे फ्राई कर ली है। पाव किलो अखा मसूर दाल, उसे भी मैंने उबाल लिया है। चार से पाँच आदद टमाटर कटे हुए, पुदीना, हरी मिर्चें, पाँच चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च वाला पेस्ट, साबुत गरम मसाला, दो चम्मच धनिया पाउडर, ढाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, दो चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक आधा किलो कीमा। और मैंने लिया एक पाव दही और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम कीमे में डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और अदरक लहसुन हरी मिर्च वाला पेस्ट, और ये सब डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हसबे जायका नमक। आप अपने जायके के हिसाब से नमक डालना। नमक डालकर कीमे में नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने लिया एक कढ़ाई में 10 से 11 चम्मच तेल, उसमें 3 से 4 अदद छोटी छोटी प्याज डालकर हल्की ब्राउन कर ली। अब इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में मैंने लिया है 3 अदद तेज़पत्ता, 1 अदद दालचीनी, 2 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, हसबे ज़रूरत काली मिर्च और लौंग। इसे भी अच्छी तरह से भून लें। प्याज और गरम मसाला हमारा अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें मैरिनेट कीमा डाल देंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखें, कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसे हम गलने तक अच्छी तरह ढककर पकने देंगे। ये देखें, कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से पक रहा है। इसका पानी सूख जाएगा तो हम बिरयानी की तह लगाएंगे। ये देखें, कीमा हमारा अच्छी तरह से पक गया है। अब हम बिरयानी की तह लगाएंगे। मैंने जिसमें चावल उबाला था उसी में थोड़ा चावल रख लिया है। अब उसमें हम डालेंगे आधा गिलास पानी और अब डालेंगे ये पका हुआ कीमा। इसको अच्छी तरह से डाल लेंगे, इसका तेल भी डालेंगे। अब हम डालेंगे फ्राई प्याज, फ्राई प्याज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अखा मसूर की दाल उबली हुई, अब डालेंगे टमाटर। टमाटर भी अच्छी तरह फैला के डाल देंगे हम इसके ऊपर। और अब डालेंगे हरी मिर्चें और पुदीना और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी फ्राई प्याज। अब हम इसके ऊपर फिर से डालेंगे चावल चावल अच्छी तरह से फैला लेंगे। और अब फिर से हम इसके ऊपर सारा कीमा डाल देंगे अच्छी तरह से और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे।
अब इसके ऊपर हम डालेंगे अक्खा मसूर दाल और फिर डालेंगे फ्राई प्याज, डालेंगे टमाटर, टमाटर दाफेदा देंगे अच्छी तरह से, हम डालेंगे थोड़ा हरा धनिया पुदीना हरी मिर्चें और फिर से हम इसके ऊपर डाल देंगे ये उबले हुए चावल। अब हम बिरयानी पर डालेंगे जर्दे गरम पानी में घोलकर जगह जगह और फिर से डाल देंगे फ्राई प्याज, फ्राई प्याज और पुदीना हरी मिर्चें और इसे ढककर स्लो आंच पर दम देंगे 15 से 20 मिनट तक। ये देखें बिरयानी हमारी दम के लिए चली गई है, अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम देंगे। ये देखें बिरयानी हमारी अच्छी तरह दम पर आ बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो गई है, अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बिरयानी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो गई है, अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं। आप लोग घर पर ज़रूर ज़रूर बनाएं, बकरा ईद आ रही है उसमें बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो गई। आप लोग घर पर ज़रूर ज़रूर बनाएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।